स्टार्टिंग फ्रॉम अवर न्यू टॉपिक सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, घुलनशील अघुलनशील, मतलब जो चीजें घुल जाती हैं और जो नहीं घुलती हैं। ऊपर हमने क्या किया था, कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस लिए थे, यहाँ पर भी हमें कुछ सॉलिड ठोस चीजें लेनी है, जैसे शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, इस तरीके की, और 5 बीकर्स लेने हैं हमने। वी आप जो बीकर्स हैं उनको फिल कर लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, और आपको धीरे धीरे करके जो 5 बीकर्स हैं, ऐसे 5 चीजें आपने ली थी, पहले में शुगर डालिए, दूसरे में सॉल्ट डालिए, तीसरे में कुछ और, चौथे में कुछ और फिफ्थ वाले बीकर्स में कुछ और उनको अच्छे से स्पून की मदद से अच्छे से आप लोग क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। कुछ देर रुकिए तो आप क्या देखोगे, कुछ चीजें क्या होती हैं, बहुत अच्छे से पानी के अंदर घुल जाती हैं, आपको दिखाई नहीं देंगी। उन चीजों जो पानी के अंदर बिल्कुल अच्छे से घुल जाती हैं, उनको बोलते हैं हम सॉल्युबल, और जो नहीं घुलती हैं, जो डिसअपियर नहीं होती है मिलाने के बाद भी, उन चीजों को कहा जाता है इनसॉल्युबल। अब ये चीज आपने फिफ्थ में भी पढ़ी है, दैट सॉल्युबल इनसॉल्युबल, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट इज दैट पार्ट विच इज डिसॉल्वड इन सॉल्वेंट, अ सब्सटेंस विच इज डिसॉल्वड इन सॉल्वेंट, एंड द सॉल्वेंट इज अ सॉल्यूट, अ सॉल्यूट इज डिसॉल्वड, अ मटेरियल इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्वड, वो चीज जिसके अंदर हम किसी चीज को घोलते हैं वो आपका सॉल्वेंट होता है, और जो घुलता है वो आपका सॉल्यूट होता है। इसी तरीके से वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत महत्वपूर्ण, पानी बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो फंक्शनिंग होती है बॉडी की, बॉडी की, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पानी के अंदर घुल जाती हैं, इसीलिए पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। नाउ वी हैव एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में ये है कि आपको 5 चीजें लेनी है, यू हैव टू विनेगर, सिरका, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। आप ग्लास का टम्बलर लीजिए, उसको हाफ फिल कर लीजिए वाटर के साथ, और आपको धीरे धीरे ये लिक्विड्स क्या करने हैं, उनमें डिसॉल्व कराने हैं, अच्छे से मिक्स करने हैं, और कुछ देर के लिए इनके अंदर रख दीजिए। वो पहले हमने सॉलिड के लिए किया था, ये लिक्विड के लिए, तो हम देखते हैं कि कुछ जो लिक्विड्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, और कुछ ऐसे होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विनेगर, लेमन जूस कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, बट मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये डिसॉल्व नहीं होते। ये क्या करते हैं, एक परत बनाते हैं, दिस मेक्स अ सेपरेट लेयर, कम्प्लीटली मिक्स विद वॉटर एंड सम डू नॉट एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर, एक अलग सी परत बना देते हैं जिनके अंदर उनको रखा गया है उसके ऊपर। जैसे वाटर के अंदर हमने जब मिक्स किया तो पानी, पानी के ऊपर क्या आ जाता है, जो आपको ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाता है, पानी आपको अलग दिख सकता है और वाटर अलग। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। इसी तरीके से जैसे सॉलिड कुछ घुल जाते हैं पानी में, कुछ लिक्विड्स हैं जो मिक्स हो जाते हैं, इसी तरीके से कुछ गैसेस भी ऐसी होती हैं जो जो वाटर के अंदर क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। जैसे जितने भी आपके पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्वड इन वाटर। उस ऑक्सीजन से जो पानी के अंदर घुली हुई है वो उसका इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए। अब आता है वाटर। वाटर यूजुअली हैव स्मॉल गैसेस, थोड़ी कम मात्रा में घुलती हैं, ठीक है। इसी तरीके से गैसेस भी डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर, बहुत सारे आपके सॉलिड सब्सटेंसेस भी डिसॉल्व होते हैं और आपके लिक्विड्स भी डिसॉल्व होते हैं, इसीलिए वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। द नेक्स्ट आई विल टीच यू इन नेक्स्ट क्लास।